सियाने से उन्होंने कहा भी कोई गल नहीं आप एक नीति घटते हैं। उन्होंने नीति घड़ी भी आप दोनों में पता हो कि आप जाके लाहौर कब्जा करना सारी फौज न जरनैलों किसी नहीं पता होना। नीति ये आप सारे यही कहना भी हरिमंदर साहब जाके दर्शन कर चले अमृतसर साहब। उस नीति तहत सारी फौज में कहा गया भी आप घोड़े तैयार कर लो भी आप दरबार साहब चले हैं। सारे पास रौला पै गया भी रणजीत सिंह राणी सदा कौर इन्हों की सारी फौज हरिमंदर साहब दर्शन कर जा रहे इशनान कर जा रहे हैं। दर्शन इशनान किए उस तो बाद उन्होंने प्लैन से सिर्फ दोनों दो बंदे पता से प्लैन का आप हम अजक वीडियो लाइव करी जाने स्टैट से कर रहे हैं की करना की नहीं करना तो ना स्टैप जाहिर करी जा रहे हैं। उन्होंने दोनों नीति का पता से रात को जो उठना नीति सी भी आप जाके मत्था टेकेंगे शाम को पहुंचांगे रात को रात को आप फिर रात को इकट्ठे हो गए उ हरिमंदर साहब दर्शन करके फौज ने कहा भी फौज जनरल सदे आ भी आप हम तैयारी कर लो फौजा की आप लाहौर जाके कब्जा करना अच्छा रात को उतों ही फौज में तैयार करके लाहौर लै गए तो लाहौर जाके खून बहुत घट खून डोलिया फौज जंग तो हुई भी नहीं हैगी जाके लाहौर कब्जा जाके कब्जा कर लिया तो सिख राज स्थापित कर लिया। सो नीति दे नाल सो आप नीति भी करनी ने तो थोड़ी आप चलो कट्ठे भी होना कट्ठे हो के नीतियां घड़ीए तो बच्चे गुप्त भी नीतियां घड़ीए अज बारी भी गल सिंह सारे तुम कर रहे बड़े सियाने सिंह बैठे ने मेरा सिर्फ मैं दो ही नुकते रख के मैं समाप्ति कर लेनी आ। एक तो सिर्फ हम जो मौके पर आप समस्या भी है मैं तीन 15 साल तो 20 साल तो देख रहा कि राजू आने वेले आप देखते हैं भी की करिए आई कट होंगे रहने बचपन तो इतने सरी च रह रहे यही देखते आए हैं। फिर गुरबख्श सिंह वेले वार बार आप कट्ठे होंगे अपने को स्ट्रैटजी आप बाद नहीं करते अज कट्ठे हो गए पीड़ पै गई मुड़ के आप फिर भुल जाना ये डेली जॉब होनी चाहिए हर एक सिख की जिन्हें आप फिक्रमंद इतने बैठे अज भी सर अज चल के आए मैं पता फिक्रमंद नहीं सर बहुत वड्डी आ 5 लाख बंदा बैठा इतने अपना उस आप मुठ्ठी भर बैठे हैं इतने। सो एवरी डे थोड़ी होवे कोशिश मैं हर रोज़ दिन मैं हफ्ते मैं 5 घंटे करना 4 घंटे करा मैं कौम वास्ते काम करना यह डेली का काम चाहिए वा ये स्ट्रैटाइज हो हुण मौके तो चलो मौके वाले काम भी करने पैंदे आ वो सिंह इतने बैठे आ दसन भी की है अपने पर आप इन डेली तौर पर दसीए भी आप आने वाले 5 साल च की करना कितने पहुँचना 10 साल च की करना जो नैक्सट टाइम कोई यही आफत आँदी है जो इशूज आते हैं तो उन्होंने आप किमें टैकल करना पहला ही रणनीति घड़िया पी चाहिए हम अपनी रणनीति भी चाहिए जो कल पता लगता भी अमृत भाई अमृतपाल सिंह शहीद हो गए ने उस तो बाद जी पंजाब की जी सिख संगत उन्होंने किन्हें संभालना जो मूवमेंट चल रही थी अमृतपाल की वो किन्हें करनी है कि अपने कोई वारस बैठा जो आप तैयार किया है भी आ भाई साडा गाह वारस ये आ जिन्हें पंजाब जाकर मुहिम इदा ही तैयार करनी है ये नीतियां घटनिया पैनिया आप सिर्फ ये नहीं भी आप जाके नारे ला ले कट्ठे हो गए मुड़ के घर जाके बैठ गए गाह वारस कि वा तैयार किया है आप कौन किया है तैयार वो पिछे कौम खड़ी है तैयार कर रहे हैं आप उस तो बाद कि होना एक कॉन्सटेंटली बैटल अपनी बने देखो डिस्ट्रक्शन होनी होनी आ तो किसी कह की लड़ नहीं जो सिख पैदा हो गया जिन्हें अमृत छक लिया बाणी पढ़ता उन्हें जिता उ जताया ना जाए भी दस तू खालसा चाहना कि नहीं चाहना वो अंदर जो अमृत छक लिया वो अंदर अपने आप ही प्रगट हो जानी है भी खालसा सू अपना आजाद चाहिए वा। सो इस करके आप नीतियां वाल भी जाना भी अदबा गह की गल है मैं हम मौके पर यही कहना चाहना ये तो प्रबंध बड़ा वधिया सेवा निभा रहे हैं भी आप वीकडे भी उत्थे जाइए एम्बेसी संगत बहुत अपनी 50 सिंह ड्यूटी ला दो भाई तुम फ्राइडे दिन जाना वीकडे उ वर्क बंदे डाउनटाउन बहुत गोरे काम करते हैं उत्थे जाके अवेयरनेस कैंपेन हो कुछ फ्लायर भी बनाए जाए आप प्रिंट आउट करके उन्होंने देिए गलबात करिए दस भी जानू तैयार आ फ्राइडे दिन उत्थे बैठ जाएंगे सवेर तो जाके सैटरडे अपना संगत बहुत इकट्ठी होंगी सारे जा सकते हैं मुड़ के मंडे फिर जाइए आप सो कॉन्सटेंटली जाना पैना आप तो कॉन्सटेंट प्लैन रखिए ना कि आप मीटिंग फिर अपन द्वारा करनी पवे क्योंकि संगत को इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल होंगी है। मेरी यही बेनती है कि आप वीकडे भी जाइए डाउन टाउन के एक आप आने वाले समय वास्ते रणनीतियां जरूर घड़ीए भी आने वाले समय से आप इनू किमें गाह लैके जाना मुहिमन सिर्फ आता मौके का मुद्दा है इस तो बाद की करना आप आने वाले 5 साल 10 साल की प्लैनिंग अपनी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ